नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीडा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये देख लिया था होम कैटेगरीज जो है वो परफेक्टली एडिट डिलीट एंड क्रिएट के साथ जो है वर्क कर रही है। हमारे पास प्राइसिंग अबाउट और ड्रॉप डाउन के अलावा इनमें से कोई ऑप्शन एक्चुअली में इनेबल्ड नहीं है, तो प्राइसिंग अबाउट और ड्रॉप डाउन जो लिस्ट है हमारे पास नेविगेशन के ऊपर, इसको हम लोगों को हटाना होगा। तो ये देखिए परफेक्टली काम कर रहा है आप लोगों के पास। डिलीट एडिट ये हो गया एडिट का, और ये हो गया आप लोगों के पास डिलीट का ऑप्शन, और ये हो गया आप लोगों के पास क्रिएट का ऑप्शन। ठीक है, तो परफेक्टली काम कर रहा है। नेक्स्ट में हम लोगों को जो करना है वो पहले हम लोग ये हटा देते हैं यहाँ से, और उसके बाद में हम लोग लेआउट डॉट सी एस एस टी एम एल में सबसे पहले चलते हैं आप लोगों के शेयर्ड फोल्डर के अंदर, लेआउट डॉट सी एस एस टी एम एल फाइल। और इसमें ये जो अदर ऑप्शंस हैं ये नेविगेशंस में, जैसे कि कैटेगरी के अलावा आप लोगों के पास है प्राइसिंग, आप लोगों के पास है अबाउट, आप लोगों के पास है ये ड्रॉप डाउन लिस्ट। ओके, सो ये आप लोगों के पास हटा देना चाहिए आप लोगों को। सो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट में आप लोगों के पास क्या करना है इसको मैं ओके एंड ये एचटीएमएल का ही पार्ट है तो हो सकता है ये रिफ्रेश हो जाए ऑटोमेटिक। नहीं हुआ, ओके हट गया है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोगों को ये सर्च ऑप्शंस भी हटाना है यहाँ से, तो हम लोग सर्च ऑप्शंस भी हटा सकते हैं। ये फॉर्म्स के अंदर सर्च ऑप्शन है तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, नहीं हुआ, कमेंट कर देता हूँ। ओके, सो इसके बाद मैं सेव दोबारा से करता हूँ, ये दोबारा से रीलोड हो जाएगा। ओके, एडिट होने देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। ओके, ये हट जाएगा, चलो ये एडिट नहीं हुआ। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं टेम्प डाटा। जब हम लोग नई कैटेगरी क्रिएट करें तो यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे पास आना चाहिए टेम्प डाटा का, कि ये सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। जैसे ही मैं इस पर क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो ये आप लोगों के होम पेज पर आ जाएगी, यानी कि कैटेगरी के इंडेक्स पेज पर आ जाएगी। और यहाँ पर आप लोगों को एक डिस्प्ले होना चाहिए, एक मैसेज। ठीक है, तो वो मैसेज कैसे होना चाहिए वो हम लोग देखते हैं। एक्चुअली में हम लोगों को यहाँ पर टोस्टर अलर्ट काम में लेना है, लेकिन एक्चुअली में जो स्टेप बाय स्टेप जो सीखना है वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रिएट में चलते हैं, क्रिएट के सी एस एस टी एम एल पार्ट पर। जब डाटा पोस्ट हो जाए तो आप लोग देखिए कि यहाँ पर जब डाटा पोस्ट होगा तो उन पोस्ट के अंदर ये रिडायरेक्ट टू एक्शन कर देगा पेज। उससे पहले हमारे पास मैसेज आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं टेम्प डाटा, और इसमें हम लोग लिख देते हैं डन, डाटा हो गया। और इसमें हम लोग लिख देते हैं कैटेगरी क्रिएटेड। ओके, कैटेगरी क्रिएट हो चुकी है। और नेक्स्ट में हमारे पास ये जाएगा इंडेक्स पेज पे ही, आप लोग देख सकते हैं। डिलीट डॉट सी एस एस टी एम एल पर चलते हैं, इसमें भी वही पार्ट है कि इंडेक्स पेज पर ही जाएगा। तो क्रिएट वाला पोर्शन जो है हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं टेम्प डाटा को, और यहाँ पर डिलीट में चलते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। तो कैटेगरी क्रिएटेड की जगह कैटेगरी डिलीटेड। ओके, इसको भी सेव कर देते हैं। सिमिलरली एडिट और सी एस एस टी एम एल पर भी हम लोग चलते हैं, और इसमें भी आप लोग देखिए इंडेक्स पेज पर ही ये मूव कर रहा है। इससे पहले हम लोग ये लिख देते हैं कैटेगरी अपडेटेड। ओके, सो एवरीथिंग इज़ फाइन, और ये सारा होकर आप लोगों के इंडेक्स पेज पर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा इंडेक्स डॉट सी एस एस टी एम एल, इसका हमारे पास यहाँ पर ये देखिए रोप हम लोगों ने बनाया है, लिस्ट ऑफ कैटेगरीज है आप लोगों के पास, क्रिएट न्यू कैटेगरी है। इसमें हम लोग एक और रो बना सकते हैं यहाँ पर, या आप लोग जो हैं यहाँ पर जो है एट द रेट सिंबल यूज़ करके यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं टेम्प डाटा। सबसे पहले आप लोग इफ स्टेटमेंट में हम लोग लिख लेते हैं, तो ये रो हो गया आप लोगों के पास। एक और रो हम लोग इसके कंटेनर के अंदर ऊपर ही ऊपर बना सकते हैं, div class equals to row। Oops, ये हो गया एट द रेट इफ, इसमें हो गया, इसमें हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं temp टेम्प डाटा, और यहाँ पर हो गया आप लोगों का डन इज नॉट इक्वल्स टू नल। और यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं हमारे टेम्प डाटा की वैल्यू, तो यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं एच टू टैग, और यहाँ पर टेम्प डाटा जो हमने लिया है उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं।
एट द रेट टेम्प डाटा। ओके सेव कर देते हैं इसको। अब हम लोग इसको रन कर लेते हैं। तो अब हम लोग कैटेगरी क्रिएट करते हैं और एक और नई कैटेगरी जो है हम लोग डाल लेते हैं इसमें। एक कैटेगरी हम लोग डाल लेते हैं, नई कैटेगरी क्रिएट किड्स। ओके सो जस्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी क्रिएटेड का ऑप्शन आ रहा है। मैं डिलीट कर देता हूँ इसको, डिलीट, एंड यहाँ पर आ गया कैटेगरी डिलीटेड। तो आप लोगों के पास एक बड़े अक्षरों में जो आप लोगों के पास आ रहा है मैसेज आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो है आप लोग एक नोटिफिकेशंस के थ्रू अगर यहाँ पर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम लोगों को टेम्प डाटा समझाना था। टेम्प डाटा हम लोग काम में क्यों लेते हैं, जब हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये यहाँ से कैटेगरी डिलीटेड हट जाता है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि ये सिर्फ एक सिंगल रिक्वेस्ट के लिए ही काम करता है टेम्प डाटा। और हम लोगों को ऐसी चीज़ों के लिए, जब सिंगल रिक्वेस्ट के लिए ही कोई चीज़ काम करे तो वहाँ पर हम लोगों को टेम्प डाटा ही काम में लेना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, हम टोस्टर अलर्ट जो है वो काम में लेते हैं। तो हम लोगों के लिए क्या करना होगा, टोस्टर अलर्ट हम लोग काम में लेते हैं। और यहाँ पर आप लोग लिखें टोस्टर जेएस। टोस्टर जेएस जो है गिटहब वाला ओपन करें, कोड 7 वाला। यहाँ पर आप लोग जब इसके अंडर में आएंगे तो आप लोग देखेगा सीडीएन मिनीफाइड का लिंक आप लोगों को मिलेगा। तो ये तो जेएस फाइल और ये सीएसएस फाइल है। तो सीएसएस फाइल हम लोग जस्ट कॉपी करते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर आप लोगों का जो लेआउट पेज है उसके पार्ट में चलते हैं हम लोग, सीएसएस वाले पार्ट में। सबसे टॉप ऑफ द पेज जो है हम लोगों को यूज़ करना है, तो जस्ट साइट डॉट सीएसएस हुआ, इससे जस्ट पहले हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ये सीडीएन लिंक कर दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर आप लोग एचरेफ से यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, इसमें यहाँ तक मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एंड नेक्स्ट में मैं यहाँ पर टोस्ट अलर्ट को डबल कोटेशन से बंद करके यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा जब मैंने किया है। ठीक है, नेक्स्ट में आप लोगों के पास जो जेएस फाइल है वो भी आप लोगों को, आप लोग वो तो आप लोग इंडेक्स में ही रख सकते हैं, इतनी ज़रूरी आप लोगों के लिए नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं उसको उसी में रख लेते हैं, इंडेक्स वाली CSHTML फाइल में ही रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ही। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, ये मैं कुछ जस्ट पाथ जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, JS फाइल वाला जो पाथ है, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। कंटेनर के अंदर ही जो है टेम्प डाटा है, टेम्प डाटा के अंदर मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। और इससे पहले मैं स्क्रिप्ट टैग लगा देता हूँ, स्क्रिप्ट, और ये हो जाएगा आप लोगों का SRC सोर्स जो है आप लोगों का ये हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब मैं यहाँ पर इसको स्क्रिप्ट टैग को बंद कर देता हूँ। ओके, एक JS फाइल हमारी है जो ऑलरेडी हम लोगों के पास jQuery लगी हुई है, वो आप लोग layout.css में देख सकते हैं। ये आप लोगों के पास स्क्रिप्ट टैग है, जस्ट इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। दोबारा नेक्स्ट में हम लोग स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं, स्क्रिप्ट, ये हो गया। और इसमें मैं इसको पेस्ट करना है मुझे टोस्टर अलर्ट को। तो टोस्टर कैसे काम में लेते हैं वो जस्ट ओपन कीजिए ये वाला विंडो, और आप लोग देख सकते हैं टोस्टर इन्फो टोस्टर सक्सेस ऐसे काम करता है। ठीक है, तो हम लोगों को तो ऐसे काम में लेना ही नहीं है, तो टोस्टर डॉट सक्सेस में हो गया। यहाँ पर हम लोगों को टेम्प डाटा जो है वो डिस्प्ले करवाना है, तो हम लोग सिंगल कोटेशन के अंदर टेम्प डाटा, और इसमें हम लोग इसमें हम लोग लिख देते हैं डन। ओके, तो एवरीथिंग इज़ फाइन। और नेक्स्ट में हम लोग मूव करके देखते हैं हमारे पार्ट का सही हुआ या नहीं हुआ। तो न्यू कैटेगरी पर चलते हैं, वरना हम लोगों को जैसे कि दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, वैसे हम लोग करना पड़ेगा।
देखिए दोबारा से रिस्टार्ट ही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये बहुत पुराना वाला ही आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, दोबारा से चलते हैं। टोस्टर अलर्ट तो हम लोगों को देखना ही है, तो ये काम करेगा या नहीं करेगा वो तो डिपेंड करता है अभी 2 मिनट के बाद। आई होप ये काम करे। तो मैं जैसे कि ये भी काम कर गया है, कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ और डिलीट वाले पे क्लिक कर देता हूँ। किट्स, यहाँ पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं आया, दोबारा से डिलीट पर चलते हैं, ये नहीं आया। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास कुछ ना कुछ गलतियाँ होंगी। ठीक है, अब ये गलतियाँ क्या हुई हैं वो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। टोस्टर की main.js फाइल आप लोगों की यहाँ पर है, layout.css फाइल में आप लोगों के पास ये वाला ऑप्शन है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अपने स्टाइल शीट जो है वो सबसे पहले ऐड की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज डन, यहाँ पर है डन ही यहाँ पर है, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सकता है सेमी कॉलम की कोई प्रॉब्लम हो, सेव कर देते हैं इसको। यहाँ पर टोस्टर अलर्ट नहीं आया। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो डाटा है वो एक्चुअली में एक ऑर्डर में नहीं होने की वजह से आप लोगों को विजिबल जो है वो नहीं हो पाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोगों को क्या करना है मैं बता देता हूँ आप लोगों को, कि ये जो स्क्रिप्ट है एक्चुअली में ये हम लोगों को पहले लिखनी होगी, क्योंकि ये jQuery की स्क्रिप्ट है तो एक ऑर्डर में एग्जीक्यूट होना चाहिए jQuery का कोड भी। तो सबसे पहले jQuery रन होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का मैन जो फाइल है jQuery का वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं दोबारा से इसको रन कर लेते हैं। अब इस बार आप लोगों को जो फाइनल रिजल्ट है वो आप लोगों को दिखाई देगा, लेकिन आप लोगों को बस इतना सा समझना है कि एक पाइपलाइन होती है उसमें अगर कोड रन होता है तो वो परफेक्टली रन होता है, अदरवाइज कोड जो है वो उलझ सा जाता है, वो टाइम भी लेता है इवन। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए या हम लोग कहें कि एक सही मैनर में काम करने के लिए चीज़ों को टेस्ट करके देखना भी चाहिए। ठीक है, तो कैटेगरी पर चलते हैं हम लोग और टोस्टर नोटिफिकेशंस को हम लोग देखेंगे कि टोस्टर नोटिफिकेशंस कैसे काम करता है। ठीक है, तो थोड़े से टाइम के लिए आप लोग देख सकते हैं कि हेल्थ कैटेगरीज हैं और इसमें मैं स्पोर्ट्स की जगह स्पोर्ट कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। ये देखिए कैटेगरी अपडेटेड, यहाँ पर आप लोगों का आ रहा है मैसेज कैटेगरी अपडेटेड। ठीक है, तो डिलीट के लिए भी काम करेगा आप लोगों का, क्रिएट न्यू कैटेगरी के लिए भी काम करेगा। जैसे कि हम लोगों ने ये, हम लोग ये दिखा देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो जैसे कि देखिए क्रिएट कैटेगरी क्रिएटेड, तो ये इस प्रकार आप लोग टोस्टर नोटिफिकेशन जो है वो इस्तेमाल में ले सकते हैं।